हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें किस करवट में सोना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सब पहली प्रेगनेंसी के दौरान पेरेंट्स सोचते हैं, मतलब महिलाएं सोचती हैं कि जब खास तौर पर जब उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे में वो सोचते हैं कि मुझे कैसे सोना चाहिए और कैसे उन्हें कंफर्टेबल फील होगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है यानी जब आप पहला पहला बेबी होता है, तब सब ये सोचते हैं कि यार मैं किस तरीके से सोऊं। मतलब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसे में सोने में, कि ऐसा मन करता है कि पेट के बल लेट जाओ या सीधे लेट जाओ तो ज्यादा कंफर्ट लगता है। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप सोती हैं तब आपको लेफ्ट साइड की करवट में या फिर आपको राइट साइड की ही करवट में ही सोना चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के मानोगे तो डॉक्टर हमेशा आपको यही रिकमेंड करेगा कि जितना हो सके आप लेफ्ट साइड की करवट में ही सोएं। राइट की में अगर आपको कंफर्ट लगता है तो आप राइट की भी ले सकते हो, लेकिन जितना हो सके आप लेफ्ट साइड की करवट में ही सोएं, क्योंकि ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड दोनों ही पूरे तरीके से पहुंचते हैं। अगर आप स्ट्रेट लेटते हो तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, पेट पे प्रेशर पड़ता है, पीठ पे प्रेशर पड़ता है, हिप्स की तरफ प्रेशर पड़ता है और बच्चे को भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में जितना भी आप कोशिश करें लेफ्ट साइड की करवट पे ही सोएं, ताकि आपको और आपके बच्चे को दोनों को ही कंफर्ट लगे और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो बच्चे तक जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो इजीली पहुंच सके। कभी भी आपको सीधा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सीधा सोने की वजह से आपके पूरी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, आपके पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ऐसे में आपको सीधा नहीं सोना चाहिए। जब भी आप सो के उठती हैं तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि आप डायरेक्ट बिल्कुल जब सो रही हैं तो डायरेक्ट उठे ना। जब भी आप प्रेगनेंसी में उठती हैं तो आपको लेफ्ट साइड की करवट लेनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको पैर अपने बेड से नीचे रखने चाहिए, उसके बाद कोहनी पे प्रेशर देने के बाद ही उठना चाहिए। ये प्रोसेस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि नहीं बस फटाक से उठ जाओ जल्दी से और उसके बाद जहां भी आपको काम पे निकलना है वहां निकल जाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप अपने बच्चे को ही हार्म पहुंचा रहे हो, क्योंकि अचानक से उठने से बच्चा जिस भी पोजीशन में होगा उस तरफ उसका प्रेशर पड़ेगा जैसे ही आप उठोगे, और हो सकता है उसकी वजह से आपको आपके बच्चे को भी लग जाए। तो ऐसे प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सो रही हैं तो खास तौर पर लेफ्ट साइड की करवट में सोते टाइम पहले आप अपने पैरों को बेड से नीचे रखें, फिर कोहनी की तरफ प्रेशर देके ही आप उठें। जब आप सोते हैं तो आपको कंफर्टेबल सोने के लिए लेफ्ट साइड में करवट में आप अपने पैरों के नीचे पिलो लगा सकते हो, या पैरों के जब आप करवट में हो तो पैरों के नीचे पिलो लगा के सो सकते हो, टम्मी के नीचे पिलो लगा के सो सकते हो, ताकि आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि जैसे जैसे वेट गेन होता है और टम्मी ज्यादा भार आने लगता है तो ऐसा लगता है जब आप करवट में सोते हो कि यार इधर बहुत ज्यादा वजन है जो गिर रहा है, तो आप टम्मी के नीचे भी आराम से पिलो लगा के सो सकते हो, आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा और काफी अच्छी नींद आएगी। तो ओवरऑल दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप सोती हैं तो आप करवट लेके ही सोएं, सीधे बिल्कुल भी ना सोएं, आपको बहुत दिक्कत होगी। मतलब आप सो तो जाओगे लेकिन आपको फिर बार बार ऐसा लगेगा कि आपके टमी पे प्रेशर पड़ रहा है। तो आप सीधे बिल्कुल भी ना सोएं और उल्टे तो बिल्कुल भी ना सोएं, पेट के बल वो तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे में सभी डॉक्टर या फिर अगर आप किसी से ही पूछोगे तो यही कहेंगे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान करवट लेके ही सोएं, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना।